गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका वासु कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो में। हमारी चल रही थी मेंचुरेशन 3D की सीरीज। मेंचुरेशन 3D के अंदर अब तक हमने 11 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा 12वां पार्ट है। इससे जस्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था पिरामिड के बारे में, ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर या फिर वर्ग होता है। आज वाले वीडियो में जो 12वें नंबर का अपना वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक रेक्टेंगल या यू कह लो जिसका बेस एक आयत होता है। इससे जुड़ी हुई सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जैसा कि हम हर वीडियो में सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में उस पार्ट पर बेस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सेम टू सेम ये चीज हमें यहां पर फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये जो स्क्वायर बेस पिरामिड है, रेक्टेंगल बेस जो पिरामिड है ये कैसा होता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, पहले इसका जो फिगर है या इसकी जो शेप है बनेगा कैसे। तो ये इस टाइप से कुछ बनता है, कहने का मतलब इसका एक बेस होता है, ये रेक्टेंगल हो गया। आमने सामने के जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सेम टू सेम एक दूसरे के जैसे होते हैं, क्लियर है। अभी इसको बना लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये लिया पार्ट, फिर इसने आपने इस पार्ट को उठाया, इस ट्राइंगल को उठा लिया, इधर से इस ट्राइंगल को उठा लिया और इधर से इस ट्राइंगल को उठा लिया। तो ये हमारा जो निकल के आया आपके सामने ये पिरामिड निकल के आया, ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक रेक्टेंगल या फिर आयत है। अब यहां पर एक एक करके बात को समझना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है पहले डायग्राम में समझते हैं फिर थ्योरी के अंदर समझेंगे। ये इसका बेस है, ये साइड अगर आपकी ए है और ये साइड आपकी बी है, तो यहां से एक छोटी सी बात बनेगी कि बेस का एरिया क्या होगा। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इंटू बी, आयत का जो क्षेत्रफल है वही इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया। फिर बात करें इसकी हाइट, हाइट क्या होती है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहां से ये जो इसका वर्टेक्स है यहां से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वो एकदम मिड पॉइंट पर आकर के आपका मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, पिरामिड की आपकी हाइट हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम बहुत ही इजी सी टास्क है। हर पिरामिड पर जहां से हमने पिरामिड पढ़ने स्टार्ट किए थे, या यू कह ले प्लेलिस्ट में आप जाएं, मेंचुरेशन 3D के जहां वीडियो डले हुए हैं, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको सारी चीजें बताई है। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। पीछे के लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि ये 1/3 क्यों आता है। तो एक काम तो अपना इजी हो गया, इसका वॉल्यूम या फिर आयतन निकालना। अब छोटी छोटी कुछ बातें और भी हैं यहां पर, जैसे क्या होगा इसकी स्लांट हाइट क्या होगी। तो इस पिरामिड के अंदर दो टाइप की स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट क्या, असल में देखो ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल पहले यहां पर था, तो असल में इस ट्राइंगल का बेस अगर आप ये लेते हो तो यहां से इसके एकदम मिड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये इस ट्राइंगल की हाइट है, कौन सी, यहां से यहां तक की दूरी। जैसे ही आप इसको इधर लेकर के चले गए, जैसे आप इसको इधर से इधर ले गए, तो ये इस पिरामिड की क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। ऐसे ही देखो ये जो पार्ट है आपका, ये जो ट्राइंगल आपका इस फॉर्म में रखा हुआ है, ये इसका आपने बेस लिया, यहां से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका ट्राइंगल की जो हाइट थी वो इसकी क्या बन चुकी है, स्लांट हाइट। अब एक छोटी सी बात आप मुझे ये बताओ कि आमने सामने के जो ट्राइंगल है, आमने सामने के ये जो दो ब्लैक वाले दो रेड वाले दोनों एक जैसे होते हैं, क्लियर है। अब ये जो हाइट होती है और ये वाली जो हाइट होती है दोनों के दोनों क्या होती है, डिफरेंट, इक्वल हो भी सकती है लेकिन वो किस में होंगी, स्क्वायर बेस के अंदर। रेक्टेंगल बेस के अंदर ये कभी भी इक्वल नहीं होती। तो इसका मतलब अगर इन दोनों ट्राइंगल की हाइट डिफरेंट डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है जो ट्राइंगल की हाइट होती है अपनी वही तो जाकर के क्या बन जाती है, स्लांट हाइट। तो आपके पास दो स्लांट हाइट निकल के आती है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, स्लांट हाइट का। अब जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इसका तो कैसे निकालोगे, तो देखो ये जैसे स्लांट हाइट आपको L1 दे रखी है, तो जैसे ही मैं इसको यहां पर लिखूं, इस टाइप से मैं इसको रख देता हूं यहां पर, तो देखना जरा ये साइड A है और ये स्लांट हाइट इसकी क्या है, L1। ऐसे ही ये साइड A है, इसकी स्लांट हाइट क्या, जब ये ऐसे था तब ये इसकी स्लांट हाइट थी, अब क्या बन गई ये हाइट। तो मैं स्लांट हाइट को L1 बोल रहा हूं, जो ट्राइंगल की हाइट है लेकिन पिरामिड की क्या है, स्लांट हाइट। तो इसका एरिया निकाला जा सकता है।
ऐसे ही यहां पर ये साइड बी है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है एल टू, बट जब ये इस फॉर्म में चला जाता है तो ये ट्राइंगल की हाइट क्या बन जाती है, स्लांट हाइट। तो यहां से कॉमन सेंस लगाओ कि लिटरल सरफेस एरिया कैसे लिखा जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया ये लिखोगे आप, देखो 1/2 ए इंटू, और ये वाली हाइट क्या ली थी आपने एल वन, आगे जैसा एरिया इस ट्राइंगल का वैसा एरिया इसका हो जाएगा, तो इसको क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई, ये इससे कट गया, तो यहां से क्या आ गया a इंटू में l1। ऐसे ही देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये साइड कितनी है इसकी b, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है l2, क्योंकि ये स्लांट हाइट में चली जाती है, तो इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 b इंटू में l2। और जैसा ये आपका ट्राइंगल है रेड वाला, सेम टू सेम ये ट्राइंगल होगा, तो इसका मतलब इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया b इंटू में l2। दोनों को आप एड करके देख लो, ऐड करने की वैसे आपको नीड है नहीं, सीधे सीधे इस बात को आप ध्यान रखेंगे, a इंटू में l1 और b इंटू में l2। तो ये हमारा क्या आ गया लिटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा एज की, इसके जो किनारे होते हैं, किनारों की अगर बात करें तो देखो फिर से इसको मैनेज करते हैं, किनारे असल में क्या है, देखो ये हमारा रेक्टेंगल बेस का पिरामिड, किनारे असल में क्या है, देखो ये वाली जो होती है ये तो स्लांट हाइट होती है, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया आपने, ये स्लांट हाइट होती है, ये जो पार्ट होता है ये इसका किनारा होता है, इसको आप एज कह सकते हो, जैसे ये पार्ट है ये पार्ट है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, यहां से क्या लगाओगे कॉमन सेंस, कि इस ट्राइंगल का ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है और रेड वाला जो ट्राइंगल है इसकी ये साइड है, ये इधर फोल्ड होता है और ये पार्ट इधर फोल्ड होता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये दोनों आपस में क्या होते हैं अटैच होते हैं, तभी जाकर के पिरामिड बनता है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि भाई इस ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये साइड और रेड वाले ट्राइंगल की क्या ये वाली साइड, ऐसे ही इस ब्लैक की ये साइड और रेड की ये साइड, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला भाई, ये जो दूरी है ये जो दूरी है ये सारी की सारी क्या होंगी इक्वल, और इक्वल तो हो ही रही है क्योंकि आपने क्या देखा ये पार्ट इस पार्ट के साथ आकर के मिलता है यहां पर एकदम फिक्स। तो असल में देखा जाए तो ट्राइंगल की जो साइड थी, ये ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस ट्राइंगल की जो साइड है इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल होगी, और दोनों मिलकर के क्या बन जाती है जब ये 3D में होता है तो एज बना लेती है। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो भाई अगर आप ट्राइंगल की साइड बता दोगे किसी भी ट्राइंगल की एक्स वाई जेड कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वही आपकी क्या होगी एज निकल के आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें यहां तक हमने देख ली। अब देखो फिर से मैं थोड़ा सा इस बार आपको शेप नहीं दिखा रहा हूं, सीधे सीधे बात बता रहा हूं। हमने क्या देखा, हमने लिया एक रेक्टेंगुलर बेस का पिरामिड, हमने एक रेक्टेंगुलर बेस का पिरामिड लिया है, अब देखो वॉल्यूम वाली जो बात है वो तो आसान है, वॉल्यूम आप क्या लिखते हो 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट, लेटरल सरफेस एरिया क्या लिखा जाएगा अभी, लेटरल सरफेस एरिया आपको क्या कहा था फिर से देख लो, कि जैसे ये आपकी साइड ए है और ये जो आपकी स्लांट हाइट है एकदम जस्ट मिड में आएगी, इसको हमने क्या लिया था एल वन, क्लियर। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या था 1/2, इस ट्राइंगल का पूरे के पूरे जो ट्राइंगल का एरिया था वो हमने क्या लिया था 1/2 ए इंटू में एल वन, और जैसा ये ट्राइंगल है वैसा का वैसा ही इसके जस्ट सामने वाला ट्राइंगल होगा कहा जा सकता है, तो इसको 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों का मिलकर के क्या आ रहा था a इंटू एल वन। ऐसे ही इस पार्ट की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपकी जो साइड है इसको आपने नाम दे दिया b, और ये वाली जो स्लांट हाइट है ये क्या हो गई l2। तो फिर से वही तरीका, तो लिटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा a l1 प्लस b l2, ठीक है ये हो गया। असल में देखा जाए क्या है l1 क्या है, तो ए साइड के ट्राइंगल की हाइट एंड पिरामिड की स्लांट हाइट, यही होगा,
ये ट्रायंगल है, इसका बेस ये है और इसकी जो हाइट है असल में देखा जाए, पीछे हम लोग समझ चुके हैं, तो असल में देखा जाए तो उसकी हाइट थी, लेकिन 3D में जैसे ही फिगर जाता है तो स्लांट हाइट बन जाती है। तो ट्राइंगल की हाइट नहीं देगा कभी भी आपको, आपको हमेशा वो क्या देगा, स्लांट हाइट ऑफ द पिरामिड। ऐसे ही L2 की अगर बात करें तो ये सेम टू सेम B साइड का जो ट्राइंगल है उसकी हाइट मान सकते हो, या फिर पिरामिड की क्या होगी आपके पास, स्लांट हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया भी क्या है आपकी, इजी सी टास्क होगी। अब आगे आ जाते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप लिख सकते हो A into B प्लस लेटरल सरफेस एरिया, या क्या कह लें AB प्लस AL1 प्लस BL2। किसी चीज को रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो ऐसा रटने वाली चीजें थोड़े टाइम तक चलती हैं। एक बार माइंड में चीजों को समझ लिया आपने तो उसके बाद आप इसको लंबे टाइम तक इजी वे के अंदर ध्यान रख सकते हो। तो यहां तक ये अपनी बातें हो गई। अब फिर से देखो थोड़ा सा रिलेशन हमें फिर से निकालना, किसके साथ, L1 L2 साइड आपकी और जो आपकी स्लांट हाइट होती है उसके बीच। तो फिर से मैं एक बार फिगर बना लेता हूं इसका, देखो ये साइड आपने क्या ली है यहां से लेकर यहां तक ए, और ये वाली साइड आपने यहां से लेकर यहां तक क्या ली है बी। एक आपने ऊपर से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एकदम मिड में आएगा और इसको आपने नाम दे दिया कि ये क्या आपकी हाइट। क्लियर है, इसको कुछ इस फॉर्म में मैं मार्क कर देता हूं। अब देखना जरा, ये पूरी ए है तो ये भी ए है, जस्ट यहां तक की जो दूरी आपकी निकल के आएगी, यहां तक की जो दूरी होगी इसको आप क्या नाम दोगे, A/2। ये पूरी ए है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ। ये पूरी दूरी बी है तो इसका मतलब इसको इससे मिला देते हैं, तो ये वाली जो दूरी यहां पर आपको दिख रही है ये क्या हो गई, B/2। ए साइड पर आपने जो स्लांट हाइट ली थी उसको नाम दिया था आपने L1, इसको लिख दिया L1। क्लियर है, L1 में रिलेशन थोड़ा सा फाइंड करें। तो असल में देखा जाए तो देखो ये B/2 है, ये 3D में डायग्राम है, तो ये इस पर भी, क्योंकि बेस है, बेस पर हाइट परपेंडिकुलर किसी भी तरफ से आप देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर। यहां से देखो रिलेशन निकालने की अगर आप कोशिश करते हैं तो L1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, या सीधे सीधे रिलेशन लिख दे तो ये B/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल में क्या निकल के आएगा आपका, L1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर आप इस पार्ट को यहां से मिला देते हैं तो इसको आपने क्या नाम दिया था, आपने नाम दिया था इसको स्लांट हाइट 2। तो इसमें देखो इसमें रोल किसका होगा, इस वाली साइड का, तो A/2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर L2 का स्क्वायर। तो यहां से रिलेशन आ गया आपका A/2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू में आपका L2 का स्क्वायर। ये असल में देखा जाए तो क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट किसका भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल को यहां पर इजी वे में अगर एडजस्ट कर देते हैं तो फिर इसमें ऐसी कोई सिंगल बात नहीं बचती है कि आप ये कह दें कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आती है। तो ये आपका हो गया थ्योरी का यहां तक का सेक्शन। थ्योरी के बाद हम लोगों को कुछ सवाल डिस्कस करने हैं, और यहीं पर अगर आप एज भी निकालना चाहें, जैसे एज वाली बात मैं कर दूं, हालांकि एग्जाम्पल में थोड़ा इजी रहता है। एज कौन सा पार्ट हो गया भाई, कोई भी एक कॉर्नर ले लो यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी क्या है, एज, एज कह लो या फिर किनारा कह लो। तो यहां से देखो फिर से रिलेशन निकालोगे तो ये आपकी दूरी A/2 है, ये L1 है, तो एज आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फिर इस पर परपेंडिकुलर होता है क्योंकि ये तो ट्राइंगल ही था ना फोल्ड करने से पहले। तो यहां से क्या होगा, L1 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, ये आपकी क्या है, एज। इस साइड से निकालोगे तो ये B/2 है और ये आपका L2 है, तो ये फोल्ड होने से पहले तो राइट एंगल सीधे सीधे आपको दिख रहा था। तो एज का रिलेशन एक और निकल के आ गया, क्या लिख सकते हो, L2 का स्क्वायर प्लस B/2
टू का स्क्वायर। हालांकि अभी जैसे जो एग्जाम है अपनी एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीडीएस हो गया, उनमें आज भी एज पर बेस वो सवाल नहीं बनाता, वो बेसिक से सवाल बनाता है। कुछ सवाल अब हम लोग यहां पर डिस्कस कर देते हैं। देखो, एक तो इसके अंदर सबसे पहला और सबसे आसान सवाल, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। यहां से देखना क्या है, ये सबसे इजी कैटेगरी का आपका सवाल होता है। तो इसने क्या कहा भाई, एक पिरामिड है जिसका बेस एक रेक्टेंगुलर शेप है या फिर रेक्टेंगल है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या लिखते हो भाई, 1/3 बेस एरिया, 6 × 4 = 24 और इनटू में हाइट कितनी हो गई 10, तो ये कैंसिल आउट 8 बार, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है यहां से निकल के आ गई 80 cm³। ये अपना हो गया रिजल्ट। ये आसान सवाल था, इस पर भी बेस मतलब सवाल पूछे हैं इस पर। अब अगले सवाल पर आ जाओ। यहां पर हम सारी की सारी बातों को, हालांकि एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं आता है, फिर भी हम लोग यहां क्या करेंगे, इस पर बेस जितने भी चीजें दे रखी हैं सबको डिस्कस कर देते हैं। इसने क्या कहा कि एक पिरामिड है रेक्टेंगुलर बेस का, तो पहले तो इस पिरामिड को बना लेते हैं। अब सवाल की लैंग्वेज को रीड कर लो तब तक। देखो, इसने क्या कहा कि साइड्स जो है वो 18 और 10, ये 18 हो गई अपनी साइड, और ये वाली जो साइड है ये हो गई अपनी 10। लिखा जा सकता है हाइट इसकी है 13 cm, तो यहां से यहां तक की जो एकदम मिड पर आकर के मिलेगी ये अपनी हो गई है यहां से 30। अब सारी चीजों को मैं बता देता हूं। देखो, वॉल्यूम की अगर बात करें सबसे इजी टास्क होती है 1/3 बेस एरिया 18 × 10 180 और इनटू में हाइट अपनी कितनी 13, ये कैंसिल आउट हो गया 60 बार, 13 × 6 = 78, 780 cm³। इसमें कोई इश्यू नहीं आया, ये सबसे आसान पार्ट होता है वॉल्यूम को फाइंड करना। अब देखो आगे की जो पार्ट है उनको हमें सीखना, इस एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें आ जाएंगी यहां पर। इसने अगली जो बात कही है स्लांट हाइट ही फाइंड कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो स्लांट हाइट के अंदर देखो, आप इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाते हो, मिला दिया, ये 18 है तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी यहां तक, 9 आ गई। अब आप क्या करो, इसको इसके साथ मिला दो, ये 9 आ गई। और इसकी अगर हम लोग बात करें को चेंज करना पड़ेगा, रीजन क्या है, एग्जाम का ही सवाल है ये वाला, इसको चेंज करो, इसको करो यहां पर 13 की जगह 12, इसी से ये सवाल जस्टिफाई होगा, अदरवाइज क्या इसके जो डेटा है वो उलझ जाएंगे। क्लियर है, जो एग्जाम का एक्चुअल में जो सवाल रहा हुआ है वो ये था, 10-18 साइड है और हाइट इसकी 12, रीजन समझना, इसी से परफेक्ट आंसर आएंगे, वरना आंसर जो है वो इतने उलझ जाएंगे कि ऑप्शन ही नहीं बना पाता। तो यहां से इसको आप 12 कर देना हाइट को। तो देखो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, 9 12 दोनों का रेशियो क्या है, 3 4, तो ये साइड कितने में आएगी, 5 में, तो ये साइड कितनी हो गई, 15, 9 12 15। ट्रिपलेट भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, उनको भी देख सकते हो कि कितने राइट एंगल ट्राइंगल काम आते हैं अपने। ये 15 हो गई, तो ये वाली स्लांट हाइट आपकी L1 मान लो। फिर अगले की बात करें तो देखो ये इसके मिड पॉइंट पर जाकर के मिल गया, इसको इससे मिला दिया, ये 10 है तो ये कितनी, 5, तो 5 और 12 की वजह से ये वाली जो ये कितनी आ गई आपकी, 13 लिखा जा सकता। तो आपने क्या कहा भाई, स्लांट हाइट इजी वे में फाइंड हो गई 15 L1, और L2 की बात करें तो कितनी आ गई आपकी, 13। अगर मैं कहूं इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लिटरल सरफेस एरिया देखो, इस ट्राइंगल का एरिया वो मत रटना A × L1 B × L2, वो ठीक है, वो जब सारी चीजें आपके समझ में आ गई और दिमाग में तुरंत वही बात क्लिक होती है आपके, A × L1 प्लस B × L1 इसका क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया, तब की बात है। स्टार्टिंग में समझो 1/2 10 × 15, इसको जस्ट डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 10, तो ये कितना आ गया भाई, 150, इस ट्राइंगल का और इसके सामने वाले का। ऐसे ही देखो,
एक बटा दो 18 गुणा में 13, तो ये 9 हो जाएगा, 13 गुणा 9 117। तो कुल मिलाकर के जो लेटरल सरफेस एरिया है आपका क्या निकल के आ गया, 267। अब अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या करना है, इसके अंदर आपको ऐड करना है बेस एरिया। बेस एरिया कितना भाई, 180। तो ये वाला सम होकर के रिजल्ट दे देगा 447। इजी वे में फाइंड किया जा सकता है। अब देखो इसके अंदर और क्या पूछा हमसे, लेटरल हाइट हमने फाइंड कर ली है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एज की। एज किसी भी तरीके से आप निकालो, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ से निकाल रहा हूं, ये मेरे पास 15 है, ये दूरी मेरे पास 5 है, और ये मेरी क्या है, एज ई। तो यहां से जब आप ई फाइंड करते हो, एज एज क्या होगा भाई, 90 के जस्ट सामने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा था। तो फिर देखो इस टाइप से पिरामिड था, ये वाला जो पार्ट है ये आपकी एज है, ठीक है, ये वाला पार्ट एज है, इधर से इसको मिलाओगे तो ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो मैं इसी को उठा लेता हूं, देखो ये आपकी क्या है, L1। ये जैसे इससे कंपेयर करें तो ये जैसे आपकी क्या है, 18 हो गई, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 13, और आपको ये फाइंड करनी है। तो असल में देखा जाए जब ये बात 2D में रखी होती है तो ये 18 की वजह से यहां 9 आएगा, ये 13 आएगा, इसकी वजह से एज निकलेगी। और इस तरफ से देखोगे तो ये आपकी 10 थी, तो ये 5 हो गई, और ये यहां पर आपके पास 15 हो गई, इसकी वजह से एज आएगी। और दोनों की दोनों एज क्या होनी चाहिए, सेम होती है, डायग्राम में भी दिखता आपको। तो यहां से अगर एज मैं इसके थ्रू निकालता हूं तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 15 का 225 हो गया। तो एज की वैल्यू अंडर रूट में डाल दोगे इसको, अंडर रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 25 25 50, 250 आ गई। अब फिर से देखो अगर आप एज इस साइड से निकालते तो 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 13 का 169, ऐड कर दो भाई, 9 और 1 10, 8 6 14 और 1 15, 1 और 1 2, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट। किसी भी तरफ से आप इसकी एज को फाइंड कर सकते हैं। तो आज इतने ही सवाल है इसके अंदर, क्योंकि ये वैसे भी पार्ट क्या है, एग्जाम्स के लिए नया ही है, बहुत ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन इसमें क्या होगा, डेटा आपका चेंज हो जाएगा, चीजें सारी की सारी वो की वो ही रहेंगी, वही वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, वही टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एज से जुड़ी भी सारी की सारी बातें। तो अब आपका काम क्या रहता है, इनको प्रॉपर मैनर में, जैसे मेंसुरेशन 3D चल रही है, एक एक करके हर पार्ट की आप थ्योरी को नोट करें, उस पर जो बेस्ड है उन क्वेश्चंस को भी करें। डिस्क्रिप्शन पे मैंने क्या किया, लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी PDF। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगते हैं तो इनको एटलीस्ट शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।